इधर हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, जल्द मामले की सुनवाई हो, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बच्चे और उनके परिवार वालों को हरियाणा पुलिस से सुरक्षा देने की भी मांग की है। इस बच्ची को इंसाफ चाहिए। जितने भी दरिंदे इस गंदगी के अंदर शामिल रहे हैं, इस बच्ची की अस्मिता को लूटने में शामिल रहे हैं, शुक्र है परमात्मा का, एक बच्ची को होश आ गया और वो रिकवर होगी। उन्होंने तो मारने की तरफ से कसर नहीं छोड़ी थी, सड़क पे फेंक दिया गया था। और सिविल हॉस्पिटल वाले इलाज ना करें, उसके बाद परिवार को यहाँ लाना पड़े, पुलिस वाले उस बच्ची की पिटाई करें, उसी बच्ची की, क्या आप अपने बयान को बदलो? मैं इस बच्ची को इंसाफ की मांग करता हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके, जो गैंगरेप के अंदर शामिल, गाड़ी में शामिल, होटल में शामिल और पिटाई करने वाले आईओ शामिल, सबके खिलाफ कड़े से कड़ी कानून कार्रवाई हो और सबको सजा मिले।